सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब जानते हो क्या होता है? अपठित यानी जिसे हमने कहीं ना पढ़ा हो। बेटा, जिस अनुच्छेद को हमने ना पढ़ा हुआ हो या जो चीज़ हमने नहीं पढ़ी हो और वो पढ़ाई जा रही हो तो उसे हम अपठित गद्यांश कहेंगे। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर इसके साथ देखिए प्रश्न दिए हुए ना, इन प्रश्न के उत्तरों को इसमें ढूंढेंगे। तो सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, बहुत समय पहले की बात है, एक कौवा पेड़ पर बैठा था। कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा था। तभी उधर से एक लोमड़ी निकली। उसने कौवे से कहा, कौवे भैया, सुना है आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। तो बच्चों, अभी आप लोगों ने यह अपठित गद्यांश पढ़ा ना। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न हमने दिए, इनको हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, फिर उसमें से यहाँ पर उत्तर ढूंढेंगे और फिर लिखेंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, कौवा कहाँ बैठा था? तो आपने अभी यहाँ पढ़ा है ना, कौवा पेड़ पर बैठा था। अब देखिए, इसका उत्तर हमको इसी में से ढूंढ के लिखना है। तो यहाँ से कौवा पेड़ पर बैठा था। बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो इसलिए आपको ऐसे ही छोटे छोटे उत्तर ढूंढ कर लिखने हैं। तो यहाँ से लेकर और पूरा ये उत्तर ऐसा का बिल्कुल ऐसे ही आपको यहाँ पर लिख देना है। देखिए, कौवा कहाँ कहाँ, तो ये क्या आ गया, पेड़ पर बैठा था। और इस तरह हम लोग इसको यहाँ पर लिख देंगे, पेड़ पर बैठा था। और उत्तर पूरा होने के बाद क्या लगा देंगे, विराम, और हमारा उत्तर हो गया पूरा। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, कौवे के मुंह में क्या था? यहाँ पर अभी आपने पढ़ा था ना, कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा था। तो अब हम फिर अपना उत्तर यहाँ पे ढूंढ लेंगे। देखिए, ये है ना, कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा था। तो इस उत्तर को अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा था। मुंह में रोटी का टुकड़ा था। इसके बाद विराम लगा, ठीक है ना। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, बुरा का विलोम क्या है? तो ये आपको यहाँ पर ढूंढना है। आप लोग पहले भी विलोम शब्द पढ़ चुके हैं ना, तो बुरा का विलोम क्या है? यहाँ पे देखिए, अच्छा, और इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, बुरा का विलोम अच्छा। और इस तरीके से हमारे ये प्रश्न उत्तर पूरे हो गए। और आप लोग इसी तरह काम अपनी कॉपी में भी करेंगे।